जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज बैठक चली, तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। सर, आज बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा बैठक में? बैठक में समीक्षा की गई, पार्टी जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित अध्यक्ष ने अपना अपना जो जो उनको दायित्व दिया गया, जिम्मेवारी दी गई, उस जिम्मेवारी को कैसे निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, वो सभी लोगों ने अपने अपना विचार रखा संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार करने के लिए, और उनका संगठनात्मक ढांचा है किस स्तर पर उन्होंने काम किया है, ये सब सारी जानकारी मिला और जानकारी दी गई, उसकी समीक्षा हुई। कुछ बदलाव भी हुआ है? नहीं, बदलाव नहीं, जिम्मेवारी दी गई है, बदलाव नहीं। जो हमारे प्रदेश कमेटी है, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी, दो दो पदाधिकारी को प्रत्येक जिला में जिला प्रभारी के रूप में उनको जिम्मेवारी दी गई है, और प्रत्येक प्रभारी को प्रत्येक महीने के प्रत्येक प्रथम सप्ताह और तीसरे सप्ताह में उनको जाने के लिए जिला बार जो उनका प्रभारी जिला है, प्रभार वाले जिला, उस जिला में जाके वहाँ का फीडबैक एकत्रित करेंगे, और जो उनका संगठन है, संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए वो काम करेंगे। अच्छा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी थे, उनकी जो सीटें थी वो रिक्त खत्म कर दी? विधानसभा प्रभारी और लोकसभा जो प्रकोष्ठ के हैं उसको समाप्त किया गया है, और उनको जो हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, उनको अलग किसी न किसी पद पर समाहित किया गया। उपचुनाव को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, उपचुनाव के लिए नहीं। बिल्कुल, उमेश कुशवाहा थे, उपचुनाव को लेकर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। बता दें कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और दूसरी जो है आज बैठक जो है वो बुलाई गई है। इससे पहले जब दो दिवसीय बैठक थी, उससे एक दिन पहले जो है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, और आज बता दें कि दूसरा जो बैठक जो तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, समीक्षा बैठक, और तमाम जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, वो पदाधिकारी है, वो इस बैठक में शरीक हुए, तमाम जो पदाधिकारी हैं, और समीक्षा की गई कि कौन लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। हालाँकि जो उमेश कुशवाहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो उपचुनाव दो सीटों पर होनी है उसको लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुआ है। हालांकि ललन सिंह से बातचीत हो रही थी, उनसे भी सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। कहा कि हमारे नेता सर्वमान्य नीतीश कुमार है, सभी के नेता, वो इस पर उनसे उनके पहल के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। फिलहाल दो सीटों पर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों पर जिन पर जेडीयू के विधायक जीत कर आए थे वो उपचुनाव होने हैं उनके निधन के बाद, तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है, महागठबंधन जो है, महागठबंधन के उम्मीदवार जीत की दावा कर रहे हैं। हालांकि मदन सहनी ने भी सुबह सुबह कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जीते थे और आगे भी जीतेंगे, लोग चाहे कितना हो कुछ कहते रहें, लेकिन जेडीयू जीती थी और जेडीयू जीतेगी। लेकिन सवाल है कि इस बार चिराग पासवान भी हैं, और इस बार खुलकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ में आ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल है कि क्या अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ में आते हैं तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है। देखते रहे हेडलाइंस बिहार, नमस्कार।